तो वेलकम है दोस्तों, आप अपने टेक्सो में दोबारा से मिलते हैं दोस्तों। एक वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारे वीडियो भाई इस शाओमी की दोस्तों सीरीज़ के ऊपर। भाई आपको सीरीज मिलती है दोस्तों ए सीरीज़, नोट सीरीज़, वाई सीरीज़ और ए सीरीज़ दोस्तों हम बता दें दोस्तों। और भी सीरीज मिलती है रेडमी की दोस्तों, जैसे कि नोट सीरीज हो गया, ऐसे कुछ मिलती है भाई। रेडमी की दोस्तों आपको एक ऑफिशियल सीरीज मिलती है, जैसे कि रेडमी का नंबर वाइज, जैसे कि रेडमी 7, रेडमी 8 ऐसे कुछ मिलता है। और भाई नोट सीरीज बाद दोस्तों आपको एक प्रो मिलता है, उसमें प्रो एडिट होता है। दोस्तों मैं बताऊँ कि कौन सी सीरीज दोस्तों आपके लिए बेस्ट हो सकती है। भाई मेरा ओपिनियन है, आपको ओपिनियन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, तो दिल पे मत लीजिएगा इस बात को। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो भाई मेरी दोस्तों पसंद क्या है दोस्तों, मैं स्टोक एंड लवर हूँ। भाई मेरे को भाई कैमरा दोस्तों एक अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो भाई मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों ए सीरीज़ को। अब दोस्तों देखो ए सीरीज दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन है ना, मतलब एक दोस्तों रेडमी की के सीरीज भी है, मैं वो बोल गया, के सीरीज, K20, K30 प्रो और बस यही तो है। दोस्तों मी की दोस्तों मी मिक्स सीरीज भी है, मी मिक्स 2 था शायद, ऐसा कुछ था जो कि जिसमें नीचे बहुत बड़ी पंच थी, मतलब नोच थी नीचे, मतलब नोच नहीं जिसे बोलते थे, चिन नीचे तरफ चिन थी वो सीरीज, समझिए। भाई देखो मेरी सीरीज दोस्तों फेमस है ए सीरीज। भाई क्यों फेमस? भाई मेरे को भाई वहाँ पर स्टोक एंड दोस्तों मिल जाता है, और भाई दोस्तों वहाँ पर मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा कुछ देखने दोस्तों मिलता है, और मतलब ये चीज़ें। हाँ भाई एक रेडमी दोस्तों नोट सीरीज दोस्तों अच्छी है, वाई सीरीज, नंबर सीरीज, जैसे कि रेडमी 7, 8, कोई फ़ोन को टारगेट नहीं कर रहा मैं वो, भाई जैसे कि वाई सीरीज, Y1, Y2, Y3, जैसे कि सेल्फी के होते हैं ये सीरीज होते हैं, सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं ये चीज़। और भाई रेडमी के जो 7, 6 ये होते हैं ओनली, भाई ये होते हैं बजट, लो बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन, जैसे कि 6,000, 7,000, 6 में तो नहीं मिलते आज के टाइम, 8, 9 देने पड़ते हैं दोस्तों आपको इस फ़ोन के लिए भी, इस सीरीज़ के लिए भी। तो और भाई आती है भाई के सीरीज, तो के सीरीज दोस्तों आपको मिलती है 20,000 के अंदर, 20 या 24, जैसे K20, K30 प्रो और प्रो दोस्तों, वो एक अलग लग जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और यही है वही ए सीरीज दोस्तों आपको मिलता है भाई, एक नोट सीरीज, नोट सीरीज दोस्तों कैसे बोल सकता हूँ, इंडिया दोस्तों सबसे पॉपुलर सीरीज दोस्तों वो है रेडमी की नोट सीरीज, रेडमी नोट सीरीज है दोस्तों, जब शाओमी इंडिया में टिका हुआ है। रेडमी दोस्तों जो भी फ़ोन है, जैसे रेडमी का नोट 3 से दोस्तों मैंने इसको देखना स्टार्ट किया दोस्तों, रेडमी 3 दोस्तों बहुत फेमस हुआ, उसमें गोल्डन कलर दोस्तों सिंगल कैमरा था। फिर दोस्तों उसके बाद 4 आया, भाई 4 ने इतनी हाइप की थी, सबसे ज़्यादा फ़ोन उसके बिके। फिर 5 आया, ओनली 5 मैं यूज़ करता हूँ, 5 मेरे पास स्मार्टफोन में, फ्रेंड के पास, मेरे वो माली मैं ही उसको यूज़ करता हूँ, और मैंने इतना यूज़ नहीं करता भाई उसको, पर्सनल स्मार्टफोन तो मैं क्यों उसके फ़ोन को हाथ लगाऊँ यार, तो वो है। फिर भाई रेडमी का नोट सिक्स तो नहीं आया, नोट 6 प्रो ही आया था डायरेक्ट ना, नोट 5 प्रो आया था दोस्तों, नोट 6 आया था क्या? नहीं यार नोट 6 तो नहीं आया, नोट 6 स्किप कर दिया लगता है शाओमी ने, नोट 6 प्रो आया था उन्हें ना। फिर दोस्तों फिर आया नोट 7 प्रो आया था, नोट 7 भी आया था, हाँ नोट 8 भी आया था, नोट 7 आया था क्या? नोट 7 पर ध्यान नहीं दिया मैंने, नोट 7 बताइए, नोट 7 आया था। फिर नोट 8 आया, नोट रेडमी का नोट 8 भाई पॉपुलर, भाई 110,000 दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन, तो दोस्तों उसने वहाँ पे दोस्तों अपनी एक हाइप बना के दोस्तों वहाँ पे किंग बन के दोस्तों बैठा हुआ। भाई आज ही दोस्तों 10 जगह दोस्तों शायद वही स्मार्टफोन बेस्ट हो पाए, पर एक दो स्मार्टफोन हो रहे हैं जैसे कि रियलमी का 3 प्रो मेरा फेवरेट स्मार्टफोन था, पर है भी वो रियलमी का 3 प्रो, तो वो चीज़ है। और भी यार क्या बताऊँ और आपको, और भाई यही था यार, 8 प्रो है, 9 प्रो भी है, 9 प्रो मैक्स भी आ गया, मैक्स ही दोस्तों ऐड कर दिया, प्रो के बाद मैक्स भी ऐड कर दिया है, जैसे कि आईफोन ने मैक्स ऐड किया, भाई शाओमी कॉपी मारने में एक्सपर्ट है। और भाई फिर आता भाई आपको ए सीरीज, A1, A2, A3, भाई ये सीरीज दोस्तों वो हैं जिनमें आपको परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छे अवेलेबल मिलती है, जैसे कि A3 है भाई कैमरे वाइज दोस्तों, शाओमी का कोई भी फ़ोन बोल रहा हूँ मैं आपसे, चाहे दोस्तों आपका K30 प्रो तो आया है क्या? K30 प्रो शायद इंडिया में नहीं आया अभी, K20 प्रो ही आया है, K30 प्रो नहीं आया इंडिया के अंदर अभी, K20 प्रो भी कम्पीट करवा लीजिए किसी भी स्मार्टफोन से ए सीरीज दोस्तों कैमरा वाइज से, चाहे आपको दोस्तों Y1 है जो कि सेल्फी के दोस्तों वो भी इससे दोस्तों अच्छी नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ कैमरा वाइज दोस्तों आपको सबसे दोस्तों कैमरा वाइज इसमें मिलेगा भाई परफॉर्मेंस दोस्तों आपको अच्छी चाहिए दोस्तों ये फोन दोस्तों ए सीरीज में दोस्तों आप कोई भी फोन ले लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट स्मार्टफोन आए जैसे कि A4 आने वाला है, तो ये रेडमी दोस्तों आप कोई भी स्मार्टफोन अच्छे नहीं, नोट सीरीज दोस्तों कोई नहीं टिक पाएंगे, और ए सीरीज दोस्तों हमेशा किंग रही थी और किंग ही रही, क्योंकि दोस्तों MIUI है ना वहाँ पे आपको ऐड दिखा के आपको डाटा लीक करके वहाँ से पैसे जनरेट कर रही है, पर ए सी में दोस्तों उसकी औकात या दोस्तों हिम्मत नहीं बोल सकते आप कि वो ए सी में दोस्तों कोई भी ऐड दे दे, क्योंकि एंड्रॉयड 1 प्रो बेस है और भाई शाओमी के हत्ते नहीं चढ़ती ए सीरीज, शाओमी ने ब्रांड बना के फ़ोन छोड़ दिया, अपडेट देंगे दोस्तों अपडेट देगा वो शाओमी ब्रांड उसको अपडेट बिल्कुल देगा किया फ़ोन बनाया है भाई अपडेट दोस्तों थोड़ा बहुत चेंजमेंट करती शाओमी, ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकती शाओमी किसी, फिर यह वही बात हो जाएगी ये अब
मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, पर शाओमी कोई भी मैं तो शाओमी से मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मेरे को थोड़ी सी शाओमी से हेट सी इस टाइप की, पर भाई ये चीज़ भाई बेस्ट लगती है कि मैं शाओमी यार सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। हार्डवेयर दोस्तों दी बेस्ट हार्डवेयर है इसके अंदर, A3 स्मार्टफोन भाई आपका कोई भी मतलब आप बोले 665 भाई, मैं तो नोट 7 प्रो में था अब, तो भाई नोट 9 प्रो मैक्स में दोस्तों आपको 720G मिला है, ये मिला है 730G मिला है। तो भाई अभी आने वाला है हमारा A4 आने वाला है, MI का A4, तो आप उसके साथ दोस्तों आपको जो भी उस टाइम जो भी फ़ोन है उसके साथ आप करवा सकते हो उसको कंपेयर, तो नहीं छोड़ेगी ये चीज़। थोड़ा स्मार्टफोन यार लेट हो जाते हैं यार, ये नोट चीज़ दोस्तों क्या होता है 2-3 महीने बाद दोस्तों अपने आईफोन देखने मिल जाता है, ए सीज़ क्या होता है 8-9 महीने बाद दोस्तों स्मार्टफोन मिलता है भाई, जब वो स्मार्टफोन आता है दोस्तों जब उसके बाद कोई भी नहीं टिक पाता, जो आपके सबसे बजट के जैसे कि आप 15-16 हज़ार जो अंदर फोन थे ना वो आपके चाहे नोट का दोस्तों सबसे लेटेस्ट फोन आएगा 2 महीने बाद ही आएगा A4, तो आप किसी को दोस्तों कंपेयर कर लीजिए, फिर आप मेरे को नीचे कमेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर, फिर आप कमेंट करिए जिसका आप देखें दोस्तों लॉन्च के बाद आप कमेंट करेंगे भाई कौन सा अच्छा है, तो ये एक फैक्ट है। तो मैं तो भाई ए सीज़ का लवर ही हूँ भाई, फ़ैन हूँ भाई उसका अच्छी तरीके से, ए सीज़ के दोस्तों सारे स्मार्टफोन है वो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए स्मार्टफोन है, मेरे दोस्तों के जो मेरे भाई हैं नोट सीज़ की भी यार ठीक है यार, नोट सीज़ बुरी नहीं है, पर हाँ उसमें दोस्तों अगर UI दोस्तों स्टॉक कनेक्ट हो जाए ना तो वो भी बुरी नहीं मैं मानता हूँ मैं दोस्तों UI है ना, कई लोग बोलेंगे यार मेरे को MIUI दोस्तों मेरे हाथ में सेट हो चुका है यार, ठीक है यार नोट सीरीज़ भी ठीक है, नोट सीरीज दोस्तों क्या होता है मेन चीज़ दोस्तों नोट सीरीज आ जाती है परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है यार नोट सीरीज में परफॉर्मेंस है, पर दोस्तों यार ए सीरीज़ भी यार बुरी नहीं है, ए सीरीज़ के फ़ोन है ना बहुत टाइम के बाद लॉन्च होते हैं, जैसे कि हमारे से अब तक 3 फ़ोन लॉन्च हुए हैं, 3 A1 A2 A3 A4 कमिंग सून है, 2 महीने में दोस्तों कमिंग सून आने वाला है A4, ये 4 फ़ोन है हमारे, 3 फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए अभी एक आने वाला है, तो वो हैं, तो सारे स्मार्टफोन अच्छे हैं। और भाई ये सारे दोस्तों मेरे को MIUI से दोस्तों सख्त नफरत है, मैं दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ MIUI को, और भाई रियलमी UI मेरे को लगता है थोड़ा सा ठीक है पर वो भी दोस्तों बुरा ही है, फन टच OS कलर OS ऑक्सीजन OS बेटर है, स्टॉक एंड अच्छा है दोस्तों, और भाई एंड्रॉइड वन प्रोग्राम पर दोस्तों कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ Xiaomi दोस्तों कुछ कर रहा है AC के साथ दोस्तों, कभी स्टॉक अच्छे से नहीं दे पा रहा, अपडेट इशू कर रहा है, पर हाँ MIUI की दोस्तों जब बात आती है दोस्तों वो प्रॉपर दोस्तों उसमें कोई भी इशू वाले अपडेट नहीं रोल आउट करता, अब ये नहीं पता यार उसको थोड़ा सा ज़्यादा उससे दोस्तों प्यार है MIUI से या फिर उसकी ये AC मेरे को लगता है कोई X ही है उससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता वो, ये सिस्टम यार क्या मेरे को लगता है बिल्कुल बहुत कुछ बेकार कर रखा है Xiaomi ने AC के साथ। पर मैं मानूँ दोस्तों AC है ना Xiaomi को पता है भाई अगर हम AC छोड़ दें दोस्तों मतलब AC के बाद दोस्तों हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, Xiaomi को ये चीज़ भी पता है, और सबसे बेस्ट दोस्तों मैं मानूँ A सीरीज है। हाँ परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों ओवरऑल फ़ोन चाहिए ना, अगर आपको दोस्तों आपके सिक्योरिटी का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्राइवेसी दोस्तों आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कोई फ्रंट कैमरा अलाउ कर ले कि यार हाँ Xiaomi अलाउ कर रही है आपको फ्रंट कैमरा ऑन है चल रहा है फ्रंट कैमरा आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट स्पेस में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डाटा लीक हो जाए तो आप नोट सी की तरफ जा सकते हैं, अगर हाँ आपको दोस्तों परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए मतलब आज तक उस स्मार्टफोन जैसे कि आपका नोट 7 प्रो दोस्तों अभी आया था मतलब आप वो से 7-8 महीने पहले भाई ये कब लॉन्च होता है A3 उसी टाइम लॉन्च होता है तो इस टाइम दोस्तों वो सबसे अच्छा था A3 उन्हें सबसे अच्छा था, और भाई A4 आने वाला है जब आप किसी से कंपेयर कर लीजिएगा तो हमारे स्मार्टफोन सबसे बेस्ट होते हैं A सीरीज के, है तो Xiaomi के ब्रांड के और ठीक है तो वो चीज़ है, और सिक्योरिटी दोस्तों A सीरीज दोस्तों Xiaomi टच नहीं कर सकती, कुछ थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं जैसे कि फीडबैक की ऐप डाल ली और कुछ नहीं डाल सकती Xiaomi की, इतनी कोई लिमिट नहीं है इतनी कोई उसके वो नहीं है कि हिम्मत नहीं है इसके अंदर कुछ डाल दे, और मालवेयर दोस्तों बहुत कोशिश करते हैं मालवेयर डालने का और कुछ कुछ ऐसे ऐप डालने की कोशिश करते हैं जिसकी मतलब ऐसी ऐसी गंदी गंदी ऐड आती है ना Xiaomi के अंदर MIUI के अंदर, स्टॉक में दोस्तों नहीं आती ऐसी ऐड, स्टॉक में हम बिल्कुल फ्री हैं, बहुत अच्छी बात लगती है दोस्तों में कई बार बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को, और अच्छी यार हमें प्राइवेसी हमारे स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैमरा वाइज दोस्तों आप कोई भी कंपेयर कर लीजिए, परफॉर्मेंस वाइज भी दोस्तों आप लिएगा किसी फ़ोन को जो कि हमारे प्राइस सेगमेंट में है, और कैमरा वाइज फील वाइज दोस्तों आप ले लीजिएगा, फील वाइज दोस्तों आपके नोट सीरीज के बराबर ही फ़ोन आते हैं, ग्लास में बहुत अच्छी फील होती है, और भाई कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होते हैं भाई A4 आने वाला है तो वो भी दोस्तों सारे स्मार्टफोन पीस छोड़ेगा, जैसे आपका रेडमी का नोट 10 भी ले आएगा मतलब कैमरा दोस्तों उसका भी अच्छा मिलेगा आपको A4 का भी, तो ये चीज़ है तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये चीज़ होगी, मैं आपको प्रेफर करूँगा ये चीज़, वही सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका डाटा कहीं पे जा रहा है या फिर चाइना में जा रहा है या फिर कहीं Xiaomi के प्रॉपर Xiaomi के ऑफिस में जा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप दे सकते हैं अपना डाटा किसी को भी, पर भाई मैं अपना डाटा किसी को शेयर नहीं करना चाहूँगा, चाहे वो मेरा अच्छा डाटा हो या किसी को कुछ गलत चीज़ हो उसमें अच्छी चीज़ हो, तो भाई मैं चाहूँगा मेरा डाटा मेरे पास ही सिक्योर है, तो मेरा चीज़ ये है, तो बस दोस्तों वीडियो से वीडियो कुछ वगैरह तो उसमें बाय टेक केयर।